ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। सुप्रभात सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुवार को हमारा एक विशेष श्रृंखला चल रही है। बेंगलोर से वीणा जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है और वीणा जी का जो क्रम चल रहा है चक्रों के ऊपर बहुत शानदार तरीके से, तो आज उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हुए सहस्रार चक्र के बारे में जानेंगे। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए वीणा जी वैद को इनवाइट करें उनका स्वागत करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल डांगे सर। ओम आराम ओम आराम। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंटली इवेंट होता है। आज इस गुरुवार को हमारी इस सेशन के लिए जो बेहतरीन प्रशिक्षक है आप सभी को पता है जिनके वाणी में बहुत कुछ अनमोल रत्न होते हैं, तो अलग अलग चक्र पे अलग अलग विषय लेके आ रहे हैं हमारी वीणा जी बैच जो बंगलोर से है और बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत सारे कोशिश उनकी जारी रहती है। एडिटर भी है अभ्युदय के, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल की और वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट है और सी हैज कंडक्टेड मोर देन 1500 वर्कशॉप एंड 50 सेमिनार्स एंड 30 कॉन्फ्रेंसेस। तो ऐसे अलग अलग और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित है हमारी वीणा जी। हमें बहुत भाग्यशाली के ऐसे व्यक्ति तो हमारे वर्ग में क्लास लेते हैं और हमारे को ज्ञान की बोधि देते हैं। तो और ये ज्ञान की बोधि जो है ये सही मायने में सीक्रेट नॉलेज है, लेकिन हमारे लिए ये सब ओपन हो गया मीडिया के माध्यम से और वीणा जी के पास न जाने कितना खजाना है और वो खजाना सिर्फ लॉक करके उन्होंने रखा नहीं तो न जाने कितने कितने लोगों को बांटती है। ये बहुत अच्छी बात है और बांटने से ही बढ़ता है। नदियां जो है वो निर्मल क्यों होती है, क्योंकि हमेशा बांटती रहती है, हमेशा ओपन रहती है। उसी तरह हमारी वीणा जी है बहुत ओपन माइंडेड है और बहुत सारे दिल खुल के बात बांटती है सब अपना ज्ञान। तो बहुत पुण्य का काम वीणा जी कर रहे हैं। तो अगेन यू आर वेलकम टू दिस सेशन एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू क्लैप हर। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के उनका वीणा जी का स्वागत करें और वीणा जी आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। ओम आराम ओम आराम। वीणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग क्लास की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन। अध्यात्म के महासूर्य गुरु प्रवर के चरणों में गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन नमन उन पवित्र आत्माओं को जो
जीवन की यात्रा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए निरंतर उत्सुक है, प्रयासरत है। धन्यवाद आनंद जी और डांगी जी, आप जिस उत्साह से हमारा स्वागत करते हैं, उस उत्साह से लगता है, उस उत्साह को देखकर ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ डांगी जी? यस 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 मैडम, सही बात है। लेकिन वो जिम्मेदारी आप पूरी तरह से निभा रही है, नो डाउट। थैंक यू। आपकी जब वाणी सुनती हूँ और तो ऐसा लगता है कि आप भी, आपके भीतर भी ज्ञान की का अथाह भंडार है, और जो जिसके पास ज्ञान है वही ज्ञान की महिमा समझ सकता है। क्योंकि उसने भी उसे अर्जित करने में बहुत श्रम, अपनी बहुत शक्ति लगाई होगी, बहुत समय लगा रहे होंगे, तो और उम्र के इस पड़ाव में आप जो काम कर रहे हैं, मैं उसकी अनुमोदना करते हुए तहे दिल से कृतज्ञ और प्रार्थना करती हूँ आज के इस सेशन में कि आपकी ये भावना उत्तरोत्तर प्रवर्धमान हो और आप निरंतर सामाजिक कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहें। यस यस यस, थैंक यू। यही मंगल कामना मुझे, मैं आनंद जी के लिए करूंगी। जिस अलर्टनेस से, जिस अवेयरनेस से उम्र के इस पड़ाव में भी वो एक्टिव हैं और जिस समर्पण भाव से ये अपना काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। और हमें सीखना चाहिए कि आदमी उम्र से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दिल से कभी भी हमेशा जवान रहिए, ताकि आपके भीतर युवा मन, युवा शक्ति बनी रहे और समाज को ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक लाभ पहुंच सके। आज का सेशन शुरू करूं उससे पहले मैं तहे दिल से उन सभी जो लोग हमारे आज यात्रा, हमने नीचे से यात्रा शुरू की थी और आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचना हर मनुष्य का, हर साधक का, हर योगी का परम लक्ष्य होता है। हम उस पड़ाव तक की यात्रा की जानकारी तो ले रहे हैं, लेकिन उस पड़ाव के बाद में वहां तक हम कितने लोग पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, इसका हमें गारंटी हमारे पास नहीं है, इसकी, इसका प्रमाण पत्र आप स्वयं होंगे। लेकिन ये सत्य है कि हमने जब नीचे से यात्रा शुरू की थी तो वो यात्रा कह सकती हूँ कि सुषुप्त यात्रा थी, मतलब सोई हुई शक्तियां थी, और निश्चय ही इन पिछले 7 चक्रों की यात्रा करते करते हम आज उस स्थान पर पहुंचे हैं जिसकी चर्चा जब मैं करूंगी तो आप सोचेंगे कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने ये समझा जीवन में, जितना एक सार जिसको कहते हैं मैं समझ पाई, उसमें इतना ही समझ पाई हूँ कि जब हम जिंदगी का सार समझने लगते हैं तब हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं कि हमें लगने लगता है कि बिना मंथन किए, बिना संघर्ष किए कोई भी दुनिया में महान नहीं बन सकता। बिना पुरुषार्थ किए संघर्ष भी है और पुरुषार्थ भी है, और पुरुषार्थ का बल लगता है तब जा करके हमारी धार तेज होती है, और जितनी हमारी धार तेज हो जाती है उतना उतना हम निखरते जाता है, और जितना जितना निखरते हैं उतना प्रभु के करीब चले जाते हैं। प्रभु को ये कतई पसंद नहीं है कि उसका बच्चा या जिसे उसने आत्मा के रूप में इस संसार में भेजा है, मनुष्य का जीवन दे करके, दुर्लभ मानव जीवन दे करके भेजा है, वो अपने जीवन का एक क्षण भी दुरुपयोग करे या उस क्षण का भी। एक ऋषि थे, मैंने कहानी आज याद आ रही है, एक ऋषि थे, कहते हैं उन्हें ये आशीर्वाद था कि उनके शरीर में जितने रोम है उतने वर्ष उनकी आयु रहेगी, उतने 1000 वर्ष वो जीवित रहेंगे। एक बार जब वो साधना कर रहे होते हैं, धूप में बैठे होते हैं, धूप पड़ रही होती, तो शिष्य सोचते हैं कि इनके ऊपर ये छाया कर दे। जब छाया करने के लिए वो लोग कुछ सामान, छप्पर डालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी हलचल होती है और उनकी आंख खुल जाती है ऋषि की। तो ऋषि ये पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा आपको धूप लग रही है इसलिए हम इस पे छाया कर रहे हैं।
उनका जवाब सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत, इन सब में समय वेस्ट मत करो, समय बहुत कम है। आप प्रभु भक्ति में या आत्मा की साधना में परमात्मा के करीब जाने में के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। कौन व्यक्ति बोल रहा है? जिसे ये पता है कि उसके एक शरीर के एक एक रोम के जितना वर्ष वो जिएगा, उसे मालूम है, फिर भी वो बोल रहा है समय कम है। तो हमारे पास कितना समय है, हम और आप स्वयं कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए आज आप सबसे एक ही गुहार करूंगी कि मंथन जिन जिन ने किया है हमारे साथ, केवल हम मुझे सुना ही नहीं, सचमुच अपने व्यवहार में, अपनी साधना में उसे सम्मिलित किया है, तब तो आप इस साधना के, चिंतन के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने मंथन किया है। और अगर आपने मंथन के साथ साथ में, जिस जिसने मंथन किया है उसे उन्नत चिंतन मिलेगा, और जिसने विलोड़न किया है उसे नवनीत अवश्य मिलेगा। ये मंथन और विलोड़न की जो यात्रा हमारी लाइफ में चल रही थी या चलती रहती है जीवन पर्यंत, ये हमें ये सिखाती है कि हमें जब तक नवनीत ना मिले, हो सकता है ये मंथन और विलोड़न की यात्रा किसी की बहुत छोटी हो सकती है, किसी की लंबी हो सकती है, ये हर व्यक्ति का अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध है, और जितना जी और उसके कर्म का विपाक कैसे और कब कितना हो पाता है, ये व्यक्ति की साधना और संकल्प शक्ति, समर्पण, भक्ति, प्रेम पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर तय है कि या जब हम इस मंथन और विलोड़न की यात्रा पे चलते चलते करते करते जब हम अपने लक्ष्य को पाते हैं, यानी हम नवनीत को पाते हैं, और उस नवनीत को जहां जिसे पाकर जीवन की स्निग्धता का एहसास होता है, उस परमपिता परमेश्वर के प्रेम का एहसास होता है, उस परमपिता परमेश्वर की अनंत शक्तियों का एहसास होता है, और उन शक्तियों का अपने आप को हम एक हिस्सा मान, हिस्सा हम बन जाते हैं, मान नहीं लेते हैं, जब हम हिस्सा बन जाते हैं तब जा करके लगता है उस परमपिता परमेश्वर का हम सब एक अंश हैं। क्या ये सब आप ये विश्वास अगर इन सात दिन सात चक्रों की या छह चक्रों की यात्रा करते करते क्या हमारे भीतर ये विश्वास जागा कि हम उस परम शक्ति का अंश है? मुझे चैट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए, या आप अंगूठे से भी ऐसे दिखा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं जागा तो ये या आप मान के चलिए कि आपकी ये यात्रा ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं रही, इसमें अभी भी और अधिक गुंजाइश है। देखिए कोमल जी ने अपना अंगूठा दिखाया है, जो भी लोग, अगर आपने ये आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि हम उस परम पिता परमेश्वर का अंश हैं, यानी उसी की संतान है, या आप किसी भी रूप में मानिए, उसका अंश मानिए, उसके संतान मानिए, उनकी शक्तियां मेरे भीतर भी हैं, हमारे भीतर हैं, और वो जमी हुई हैं जो जागृत नहीं है, लेकिन उन्हें जागृत करने का हमने सच्चा प्रयास किया है, तो ये सत्य ये मान के चलिए कि आप एक न एक दिन नवनीत अवश्य हासिल कर लेंगे। मैंने आपको एक आज के इसमें नोट दिया था, शाश्वत का है दर्शन। चंदू जी कह रही हैं यस, शाश्वत का है दर्शन और समर्पण का ये दर्पण। आज जिसकी बात कर रही हूं वहां पर पहुंचकर व्यक्ति को सत्य का भान हो जाता है। शाश्वत का है दर्पण समर्पण, शाश्वत का है दर्शन, समर्पण का है ये दर्पण, शून्य में हो रहा अवतरण, चेतना का यही है ऊर्ध्वारोहण, चेतना का यही है ऊर्ध्वारोहण, सहस्त्रार है परम में, सहस्त्रार है परम में अवतरण, परम में अवतरण। अगर इन विषय जो डाला है आनंद जी ने, आपको लिंक भेजा होगा, उस विषय को अगर थोड़ा ध्यान से दो बार तीन बार पढ़ा होता तो ये पूरा आपका सहस्त्रार चक्र के बारे में जो आज हम जानकारी लेने वाले हैं वो सब आपको क्लियर हो जाते हैं। जब लगता है जिंदगी का पर्पस क्या है, खाना पीना सोना उठना जितने भी इंद्रिय सुख हैं वो सब हासिल कर लेना, और उसे कमाने में और उसे अपने जीवन में उपयोग करने में ही अगर हमने अपना पूरा जीवन बिता दिया,
तो जीवन की सार्थकता इसमें सिद्ध नहीं होती। हर व्यक्ति में एक जिज्ञासा होती है और हर व्यक्ति उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रयास करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप सब सौभाग्यशाली हैं, या मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, हम सब उस सौभाग्य के संवाहक हैं कि हमने जीवन के इस सत्य को जानने के लिए प्रयास किया, कोशिश की, और हमारी यात्रा नीचे से जो मूलाधार चक्र से शुरू हुई थी, जो शक्ति केंद्र से शुरू हुई थी, आज सहस्रार तक पहुंच गई है। आप सब ने जन्मते हुए बच्चे को देखा होगा, बच्चे के जन्म के बाद का साल, दो साल तक, डेढ़ साल तक का समय देखा होगा, और आपने इस जगह को छुआ होगा, बड़ा पिलपिला सा होता है वो, बहुत सॉफ्ट होता है, और हम स्पेशली उस जगह के लिए बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। एक बच्चे में हम सहज रूप में उस स्थान को देख सकते हैं जहां पर, जिसे बहुत सारे लोग, योगियों ने, मुनियों ने ब्रह्म रंध्र का नाम दिया, यानी ये वो स्थान जहां से, जिसे ब्रह्मा का स्थान कहा, ब्रह्म का द्वार कहा, ब्रह्मांड का द्वार, रंध्र मतलब वो, और ये ब्रह्मांड का द्वार बोल दे, आप इसे सहज इतना बोल सकते हैं, लेकिन या आज की लैंग्वेज में कहूँ, योग की भाषा नहीं कहूँ, तो आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का, ये पूरे ब्रह्मांड का द्वार है, रास्ता है, या जहां से ब्रह्मांडीय एनर्जीज को, मैं साइंटिफिक वर्ड्स में बोलूं तो जहां से यूनिवर्सल एनर्जीज को, चाहे वो पॉजिटिव है और नेगेटिव, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, ये ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों से भरा हुआ है। आपका इंटेंशन अगर पॉजिटिव एनर्जी को खींचने का है, परमात्मा से, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने का है, आत्मीय गुणों का विकास करने का है, तो ये हमारे भाव जैसे होंगे, ये वैसी ही एनर्जी को खींच लेता है, और ये इसीलिए से यूनिवर्स का द्वार कहा जाता है कि जब हम पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में इस रास्ते से ब्रह्मांड की एनर्जीज को, जो अनंत शक्तियों का भंडार है, चाहे आप उसे ब्रह्मांड कह लीजिए, चाहे उसे परमात्मा कह लीजिए, चाहे उसे परम शक्ति कह लीजिए, चाहे उसे डिवाइन पावर कह लीजिए, उसे अपने भीतर खींचने का हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, और उस शक्ति, वो मार्ग कौन सा है, वो मार्ग ये जगह है जिसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। और सहस्रार चक्र मानने के लिए तो आप कह सकते, सहस्रार का मन मतलब है हजार, हजार हजार, अभी तक हम देख रहे थे कहीं चार पंखुड़ियां थी, छह थी, दस हो गई, दस से बारह हुई, बारह से सोलह हुई, सोलह से दो हो गई, और अभी आप कहोगे कि आप एकदम से हजार पंखुड़ियों की बात हमें कह रही हैं, तो ये हो सकता है कि हजार पंखुड़ियों की जो बात मैं कह रही हूँ, कितना बड़ा कमल खिलाकर हम अपने मस्तक, ब्रेन पे, मतलब मस्तिष्क के इस पूरे पार्ट में लेकर चलते हैं, और जो बिल्कुल अनविजिबल है। क्या ऐसा संभव है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये एहसास है कि हमारे सिर पर हम इतना बड़ा खिला हुआ कमल लेकर चल सकते हैं, हजार पंखुड़ियों वाला? किसी ने कभी देखने की कोशिश की या देखा? नहीं, बहुत कम लोगों ने देखने की कोशिश की या दिखा भी होगा, लेकिन सब कुछ हमारे भीतर ही है। उस परमात्मा ने जब हमें गढ़ा तो उसने एक ही बात कही, बच्चे जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे, इस स्थान पर पहुंच जाओगे, तब तुम मेरे बराबर हो जाओगे, यानी जैसा मैं हूँ अनंत शक्ति से संपन्न, वैसा ही तुम हो जाओगे। और जब तुम उस आनंद देखे, आनंद जी कितने, मतलब कितना सुंदर उन्होंने कमल यहाँ पे दिखाया है, इस कमल के बीचों बीच आपको एक दिव्य प्रकाश दिख रहा होगा, ये दिव्य प्रकाश ही ज्योतिर्लिंग है, शक्ति का वो उच्चतम स्तर है, जहां पर आ करके हमें जीवन का सार्थकता, जीवन का वो दिव्य प्रकाश मिल जाता है, जिसकी रोशनी में हम आगे का पूरा जीवन सार्थक बना लेते हैं।
ये हजार पंखुड़ियां जिनको हम कहते हैं, ये हजार पंखुड़ियां क्या हैं? क्या वास्तव में पंखुड़ियां हैं? कितने लोग ये बता सकते हैं कि वास्तव में ये पंखुड़ियां हैं? एक्चुअली ये पंखुड़ियां ही नहीं, ये वो हजार हजार, बोलने को हमने सहस्त्र कहा है, हम लाख भी बोल सकते हैं, करोड़ भी बोल सकते हैं, ये उस प्रभु की, उस आत्मा की, जो आत्मा पवित्र बन गई है, जो आत्मा हर कषाय से खाली हो गई है, जो केवल अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो गई है, वो आत्मा जो परमात्मा के बराबर समरूप स्थित, समरूप बन गई है, परमात्मा जैसी हो गई है, परमात्मा जैसी वंदनीय हो गई है, वो शुद्ध स्वरूप जो अपनी निर्विकल्प समाधि में अवस्थित होगी, मतलब जो उसका शुद्ध स्वरूप है, जो वास्तव में वो जितना रूप उसका तेजस्वी है, उस तेजस्विता में जो आत्मा अवस्थित हो गई है, उस आत्मा में अनंत शक्तियां पैदा हो जाती हैं, जिसे आम भाषा में मनुष्य सिद्धियां कह देता है। मैं उन्हें सिद्धियां नहीं कहूं, बल्कि मैं ये कह दूं कि वो तो पहले से ही थी हमारे अंदर। वो जैसे जैसे कर्मों का कचरा साफ होता गया, हम भीतर से सारी पांचों तत्वों से डिटैच होते चले गए, तब जाकर हम इन हजार पंखुड़ियों के या अनंत शक्ति के धारक बन गए। और वो अनंत शक्ति अपने अपन कहते ना, भगवान के हजार हाथ हैं, वो तो जब चाहे ऐसे हाथ करते ही वो सब कुछ हमें दे सकता है। ये जो अनंत शक्ति है, ये अनंत पंखुड़ियां जो है, अनंत पंखुड़ियां अनंत शक्ति की प्रतीक है, जो हम ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसकी ये सारी शक्तियां, जिसकी आत्मा की समस्त शक्तियां जागृत हो चुकी हैं, वो शक्ति संपन्न व्यक्ति ही परमात्मा है। और वो परमात्मा हम भी हैं और आप भी हैं। हम भी उन्हें, हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं, यानी शक्ति का, प्रकाश का, ज्ञान का, या कहिए सिद्धियों का, ये सर्वोच्च स्थल है जहां पर पहुंच। अब आपको मैं ये बोलूं कि ये अभी मैंने यहाँ आपसे हाथ लगवाया, लेकिन सच मानिए, एक्चुअल में ये चक्र हमारी बॉडी में नहीं है। अब आप बोलोगे बॉडी में नहीं है, फिर हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्या बॉडी में हमारी ये छह ही मेन है? 114 चक्रों की बात होती है, कोई 108 बोलता है, वो सारी हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन ये जो स्थिति है, यहाँ पर हम जानने के लिए यहाँ हाथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक द्वार मानते हैं, जो कि यहाँ से हमारे भीतर शक्ति प्रवेश करती है। और किसी किसी के प्राण धारा भी जब इस शरीर को छोड़ता है, वो ऐसा उच्चतम व्यक्ति या ऐसी उच्च शक्तियों से संपन्न या ऐसा परमात्म स्वरूप में अवस्थित व्यक्ति जब अपने प्राणों को छोड़ता है, तो इस मार्ग के द्वारा भी कई लोगों के प्राण जाते हैं। और ये मुक्ति का, या समझिए कि मोक्ष मार्ग पे पहुंचने वाले व्यक्तियों के साथ ही लगभग ऐसा घटित हो पाता है। आप समझिए इस चीज को कि कुदरत ने हमारी बॉडी को कितने अच्छे ढंग से बनाया है, लेकिन ये चक्र हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारे ऑरा में है। और ये चक्र आमतौर पे आप देखते हैं कि गोल गोल ऐसा दिखाया जाता है, आपने चित्रों में देखा होगा, ऐसे पंखुड़ियां बनी हुई हैं, हजारों पंखुड़ियां, और क्योंकि वो हमें दिखाने के लिए है। लेकिन अनुभूति के स्तर पर जब हम ध्यान में करते हैं, शायद बहुत लोगों को अनुभूतियां हुई भी होंगी, मैं ये नहीं कह सकती, हो सकता बहुत लोग पहुंचे हुए होंगे, आप लोगों में से जो साधना के मार्ग पर बहुत आगे पहुंचे हुए हैं, उन सबके लिए, पर उन सबसे जब अनुभूतियों की जब चर्चा करते हैं, तो चक्र ऐसे घूमता हुआ नहीं दिखता, चक्र ऐसे खुलता हुआ दिखता है, जैसे कमल की एक एक पंखुड़ी ऊपर की ओर खुलती है, ब्रह्मांड की तरफ खुलती है। क्योंकि कोई भी चीज, जब हम कमल को ऐसे लेके बैठेंगे तो कैसा होगा? ऐसा ही होगा ना, कमल ऐसा खिलता है। जैसे मेरे, अब ये समझ लीजिए कि मेरे हाथ में जो कमल, वे असंख्य पंखुड़ियां हैं, और ये ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को हम खींचते हैं, ये ब्रह्म का द्वार बोल दिया, ब्रह्म मतलब चेतना, वो चेतना जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, वो पॉजिटिव एनर्जी, जो वो परम शक्ति जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिसे हम अपने भीतर, उन अनंत गुणों को हम अपने भीतर खींच रहे हैं। खींचने के लिए हमारा मार, अगर हम ऐसे हैं, ये ऐसे मतलब ऊपर आकाश की तरफ ये खुलती, समझ लीजिए ये पोजीशन होती है, और ये
पूरा खिला हुआ है और बीचों बीच एक शिवलिंग के आकार का, जब आप कमल देखते हैं तो बीच का एक कमल बड़ा सा पंखुड़ी होता है और बाकी कलियां ऐसे खिली हुई होती हैं। तो वो जो बीच में शिवलिंग के आकार का, इसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, या उसे शिवलिंग इसलिए कहें कि हम सब आम व्यक्ति जानते हैं कि शिवलिंग का आकार ऐसा होता है, इसलिए आपके समझने के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये शिवलिंग के आकार का जो ज्योति पुंज होता है, ये वो परम दिव्य प्रकाश है जिसमें एक रंच मात्र भी मलिनता नहीं है, जिसमें एक रंच मात्र भी कषाय का अंश नहीं है, जिसमें केवल और केवल शुद्धता है। और जो चीज शुद्ध होती है उसकी पावर अनलिमिटेड होती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो इसे हमें समझाने की अपेक्षा नहीं होती। और जब हमारी, हमने पहले भी कहा था, शक्ति केंद्र एकदम नीचे है, वहां पर शक्ति स्थित है। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, विशेष रूप से फोकस होकर हम उस मूलाधार में बैठी हुई शक्ति को ऊपर उठाते हैं और हमारी जो दो नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला, उन दोनों के बीच में सुषुम्ना, उस मार्ग से जब अंतर यात्रा करते हुए हम ऊपर तक धीरे धीरे साधना करते हुए, या ध्यान का, साधना का मतलब है ऐसा नहीं कि आप योगी बन जाए, मतलब जो आप थोड़ा बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम केवल अपनी आत्मा को फोकस करने के लिए, अपने शरीर मन और भावों की शुद्धि में लगाते हैं, वो पर्टिकुलर महत्वपूर्ण टाइम में उस शक्ति को हम ऊपर उठाते हैं और वो शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठकर जब यहाँ पर पहुंच जाती है, तब का कहते हैं शक्ति और शिव दोनों का मिलन हो जाता है। यानी ये शिव है, ये स्थान शिव का स्थान है। और शिव केवल वो नहीं है जो आप आकार में देख रहे हैं, शिव तो वो है, जो मैंने फिर कह रही हूँ, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, मुझे महाशम्मे जी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके करीब रहने का बहुत महान साध्वी है, थी वो, और उनके करीब रहने का बहुत बार मौका मिला। और कभी जब चर्चा होती थी तो जब मैंने एक बार पूछा कि मुझे शिव बहुत दिखते हैं, या क्या वजह है, शिव में ऐसा क्या है कि वो मुझे क्यों दिखते हैं, मैं आराधना भिक्षु की करती हूँ, भावना या याद ऋषभ भगवान को करते हैं, लेकिन शिव का रूप क्यों मुझे बार बार आकर्षित करता है, उन्होंने कहा जैसे जैसे व्यक्ति अध्यात्म की चेतना यानी अध्यात्म का ऊर्ध्वारोहण उसके भीतर होता है, जितनी जितनी उसके भीतर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, वो शिवत्व की ओर बढ़ता जाता है। यानी सबके कल्याण की बात उसके हृदय में आनी शुरू हो जाती है, वो निस्वार्थ चेतना से ऊपर उठकर परमार्थ चेतना की ओर बढ़ने लगता है। जितना जितना ये भाव बढ़ता जाता है, उतना उतना हम शिव के करीब जाने लगते हैं। शिव के करीब जाने का मतलब है हम उस शिवत्व के, उस कल्याण चेतना के करीब जा रहे हैं, जहां मेरी आत्मा तो पवित्र हो ही रही है, मैं दूसरों की आत्मा की पवित्रता में योग भूत बन रही हूँ, उनकी कल्याण के लिए कल्पना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। तो आप सोचिए, इस महत्वपूर्ण चक्र तक पहुंचने के लिए हमारे, हम खुद शिव बन जाते हैं, यानी शिवत्व की ओर बढ़ते हैं, और नीचे से शक्ति ऊपर आते आते जब शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, तो चाहे आप उसे शिव पार्वती कह दें या शिव और शक्ति, क्योंकि केवल शिव अगर अकेला है तो शक्ति अधूरी है, और शक्ति केवल केवल शक्ति है तो वो हमारी नीचे के अंगों में, मैंने पहले चक्र में बार बार कहा था, वो नीचे के अंगों में प्रवाहित हो जाती है। इसलिए इस शक्ति का, इस चेतना का ऊर्ध्वारोहण होना बहुत जरूरी है। और जो हम विभिन्न अच्छे कर्मों के, अच्छे कार्यों के माध्यम से, अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से उस शक्ति को ऊपर उठाते हैं, और जब ये यहाँ पर इस स्तर तक आकर मिल जाती है शिव से, तब हम परम में एकीकरण हो जाता है। यानी परम में एकीकरण का मतलब है परम में हम विलीन हो जाते हैं, परमात्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं रहता। और मैंने
पहला क्वेश्चन आज आपसे क्या किया था कि क्या इतने दिन की साधना में आपको ये लगने लगा कि नहीं, वो परमात्मा ही सब कुछ है, सब तेरा है। ये समर्पण का दर्पण लेकर जब हम चलते हैं तब जा करके हम सहस्त्रार्थ को टच कर पाते हैं, उसका स्पर्श कर पाते हैं, उसकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर पाते, उस ब्रह्मांड की चेतना को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कितने लोग हमारे साथ जो बैठे हैं, जब आप ध्यान करते हैं, क्या आप ये सोच कर बैठते हैं कि ब्रह्मांड से जो एनर्जीज है वो बहुत तेजी से मेरे यहाँ पर गिर रही हैं और उन्हें मैं अपने भीतर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, आत्मसात कर रहा हूँ और अपनी चेतना के कण कण में उसे व्याप्त कर रहा हूँ। कितने लोग इस भावना के साथ बैठते हैं ध्यान में? अगर आज नहीं बैठते हैं तो कोई बात नहीं, आज से ये क्रम चालू करते हैं। और जो लोग बैठते हैं वो बधाई के पात्र हैं, उन्हें इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा कि यहाँ पे कुछ जुम 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 हो रहा है, यहाँ पे सैकड़ों हजारों चींटियां चल रही हैं, यानी वाइब्रेशन, ये पूरा एरिया ऐसे लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है, मतलब छोटी 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 चींटियां सी चल रही हैं और ये एहसास बहुत मधुर होता है। देखिए चंदू जी लिख रहे हैं एकदम ईमानदारी से, जो लोग ऐसी बातें लिखते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। कोई बात नहीं है, जिंदगी में जब जब हमें कोई चीज अच्छी कहीं से भी मिलती है तो हमें लेनी चाहिए और हमारी जिंदगी की शुरुआत वैसे ही करनी चाहिए। हम जब हम बैठते हैं ध्यान में तो किसी न किसी मंत्र का, चाहे ओम का चाहे अरहम का उच्चारण करते हैं। ये जो वाइब्रेशन, जब हमारी हम म के हलंत पे पहुंचते हैं, जैसे या अरहम, ये जो मर्ज पे जब हम वाइब्रेशन करते हैं ये हमारे चारों ओर एक आभा वलय का निर्माण कर देते हैं। इसकी भी वाइब्रेशन हम फील कर सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं, कपाल भाति या अग्निसार क्रिया जो भी करते हैं आप लोग, तो आपने फील किया होगा कि जब आप करने के बाद रुकते हैं एक से, अगर आप उस समय आंख बंद करके फील करें तो आपको लगेगा आपकी बॉडी के चारों ओर कुछ वाइब्रेशन हो रही, जो आपकी बॉडी में नहीं हो रही, बॉडी से बाहर हो रही। ये बॉडी से जो बाहर हो रही है यही सहस्त्रार का पार्ट है, जैसे यानी ये हमारे ऑरा का पार्ट है और यही सहस्त्रार, जितना बड़ा हमारा ऑरा है, जितना बड़ा हमारा ऑरा फैलता जाता है, जितना शुद्ध होता है ऑरा, जितना तेजस्वी ओजस्वी होता है हमारा ऑरा, उतना उतना हमारा सहस्त्रार चक्र खुलता चला जाता है और ये वाइब्रेशन इतना मधुर एहसास हमें कराते हैं, ये कहीं भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब जब हम ध्यान में ऐसी स्थिति बनाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ से मतलब झर रहा है, कुछ ऐसा यहाँ से निकल रहा है जिसे मैं अपने पूरे शरीर में चेतना के कण कण में व्याप्त कर रही। जब हम किसी को भी गुरु मानते हैं, गुरु के कहे हुए शब्दों को हम अपनी लाइफ में प्रयोग करके अगर देखें तो लगता है कि गुरु की साधना से निकले हुए ये उनकी साधना से उद्गृत, उनकी श्रीमुख से निश्रित जो शब्द होते हैं, वो शब्द खाली मात्र शब्द नहीं होते, पूरा जीवन का सत्य होते हैं। और अगर हमने उन्हें आजमा के नहीं देखा तो फिर जिया ही क्या, तो फिर हमारा शिष्यत्व ही क्या। अगर हम सच्चे शिष्य हैं, अगर हम समर्पित हैं, तो हमें यकीन होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा है, जो भगवान की वाणी को हम तक पहुंचाया है, वो शब्द जीवन का सत्य है, सत्व है। सत्य ही नहीं, सत्व। सत्व क्या होता है? जैसे किसी चीज का एक्सट्रैक्ट, किसी फ्रूट, एक फ्रूट है, फ्रूट का पूरा जूस निकाल लिया, जूस से भी और ज्यादा, ऐसे कुछ जिसकी एक बूंद हजार बूंदों के बराबर होती है, मतलब पूरा ग्लास भर के जूस पीजिए और एक बूंद, जैसे आप कैप्सूल, कैप्सूल में क्या है, छोटा है, इतनी ताकत होती है कि आप भी आप 10 ग्लास जूस पियेंगे उतनी ताकत है, लेकिन एक कैप्सूल लेने से आपको, यानी उसका सत्व, जीवन का सत्व बताने वाले जो गुरु हमें देते हैं वरदान के रूप में, तो उसे हमें अपने जीवन में लेकर इकट्ठा करके नहीं रखना है, उसे आजमाना है, अपने जीवन में उतारना है और दूसरों तक पहुंचाना है।
यहाँ पहुंचने के बाद में शक्ति जिसको बोलते हैं ना कि बोलते कहाँ चली गई, लोग उसे कुंडलिनी नाम देते हैं। मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जब शक्ति ऊपर उठ के शिव के साथ में उसका अटैचमेंट हो जाता है, शिव के साथ में वो मिल जाती है, यानी परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है, तब उसमें वो परमात्म गुण, या ऐसे कह सकते हैं कि वो उस परम शक्ति में विलीन हो जाती, एकीकरण हो जाता है। और ये एकीकरण ही, सच कहिए तो, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण है, जिसके लिए आप पूरे जीवन भी लगा देते हैं कभी कभी तो भी संभव नहीं हो पाता। और कुछ लोग इतने पवित्र भावों से जुड़ जाते हैं कि बहुत जल्दी इस लक्ष्य को पा लेते हैं। आप समझ गए, ये हजार पंखुड़ियां प्रभु के हजार हजार हाथ हैं, हजार हजार अनंत अनंत शक्तियां हैं जो नाना विध रूपों में आपके भीतर में है, जिसका जागरण ही शक्ति का, चेतना का ऊर्ध्वारोहण है। लेकिन इसका ऊर्ध्वारोहण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका ये चक्र, हार्ट चक्र, नोट कर लीजिए इस बात को कि जब तक आपका ये हार्ट चक्र खुलता नहीं है तब तक इसका जागरण भी नहीं होगा। अब आप बोलिए कैसे, सोचिए, कोई भी जवाब दीजिए, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं। कोई बात नहीं है, मैं जवाब देती हूँ कि ये जाग, यहाँ पे क्या है, प्रेम है। यहाँ क्या है, यहाँ से भक्ति पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, करुणा पैदा होती है, क्षमा का भाव पैदा होता है। यहाँ से क्या क्या पैदा होता है, अगर आपने, मैंने जब क्लास बताया था तब, ये प्रेम का अथाह सागर। और प्रभु क्या है, परमात्मा क्या है, प्रेम का भाव शुद्धि। चंदा जी ठीक ही है चंदू जी, लेकिन भाव शुद्धि यहाँ से बड़ी चीज है। यहाँ पर हमारा प्रेम जागता है, हम केवल अपने आप से भी प्रेम कर, अपने आप आत्मा से भी प्रेम करते हैं और दूसरों को, पास मेरे पास जो भी आत्मा बैठी होगी, चाहे मेरे पड़ोसी हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे पति है, मेरा परिवार है, जो भी है, हम अपनी आत्मा और दूसरों की आत्मा का ख्याल रखना सीख जाते हैं। मुझे मालूम, अगर इस चीज से मैं हर्ट होती हूँ कड़वा बोलने से, तो मुझे पक्का पता है कि अब मुझे भी अपने कड़वे वचनों से दूसरों को आहत नहीं करना है। ये चक्र जब जागने लगता है तो प्रेम अनंत हो जाता है, और जब ये प्रेम अनंत होने लगता है तो रोम रोम संत बन जाता है। इस बात को आप मन में बिठा लीजिए, जब प्रेम अनंत होता है तब रोम रोम संत होता है। यहाँ पर हम प्रेम करना सीखते हैं अपने आप से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से, अपने समाज से, अपने देश के, समाज सेवा में लगते हैं, देश सेवा में लगते हैं, ये सब क्या है, यहाँ से उठता है। लेकिन जब ये प्रेम और ऊपर उठता है और एक संत के लेवल पे पहुंच जाता है, संत का प्रेम कैसा होता है, संत का प्रेम होता है कि वो कभी भी किसी का भी एक पल के लिए भी बुरा सोच नहीं सकता। संत शिवत्व चेतना से सराबोर होता है, और वो शिवत्व चेतना से जब सराबोर होता है तो जन कल्याण, वो अपनी आत्मा के कल्याण के बाद में लोगों के कल्याण में अपने जीवन को लगा देता है। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चक्र को हमेशा एक्टिव देखना चाहते हैं तो अपने इस आनंद केंद्र को, अनाहत चक्र को, अनाहत मतलब दूसरों को चोट नहीं पहुंचाने वाला चक्र जो है, इस प्रेम को जगाइए उस प्रेम के सागर में, जो परमात्मा प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, उसमें विलीन हो जाइए। यानी जब प्रेम अनंत होने लगता है तो वो रोम रोम संतता में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा गुरु जो होते हैं वो हमेशा, आप कोई भी प्रॉब्लम लेके जाइए वो कभी नहीं कहते कि नहीं होगा, वो हमेशा एक सब ठीक हो जाएगा, जाओ सब ठीक हो जाएगा, जाओ सब ठीक हो जाएगा। ये उनकी अनंत शक्ति, प्रभु के समान हो जाते हैं, इसलिए कई दफे हमारे सामने गुरु जागृत प्रभु की तरह है। तो क्या होता, हम कहते हैं जब भी, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, हे गुरुदेव मेरा कल्याण करो, हमारी फीलिंग ऐसी होती है। जब हम पूरी तरह समर्पित हो तो गुरु क्या करता है, जाओ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाता है।
ये निश्चिंतता की चेतना, ये निर्भीक बनाना गुरु हमें भय से मुक्त कर देता है, ये चेतना। इसीलिए शिव को मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि शिव को परम गुरु के रूप में से प्रतिष्ठापित किया गया है। शिव परमात्मा है, परम गुरु है, जो हमें जीने की कला सिखाते हैं। और जो जैन है वो अच्छी तरह जानते हैं भगवान ऋषभ, जिन्होंने हमें खाना पीना सोना उठना जीने की कला ही तो सिखाई थी, ताकि हम अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकें। क्योंकि अगर ये शरीर मिला है और हमने इसे पोषण नहीं भी दिया, नहीं दिया, तो हम आत्मा की साधना कैसे करेंगे। तो जितना आवश्यक इस शरीर को हम एक मंदिर की तरह यूज करें, और इस मंदिर में जो मेरी आत्मा बैठी है उस आत्मा के कल्याण की, उसकी शुद्धि का की कला जो हमें सिखाई, उसे ऋषभ भगवान ऋषभ ने सिखाई, और भगवान ऋषभ को शिव के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो मैं आज ही आपको ये इस सत्य से वाकिफ करा रही हूँ कि कुदरत ने जो जीवन लीला रची है वो कितना, मतलब कितना बड़ा ज्ञानी है, जिसे आदि भी पता है और अंत भी पता है। इसीलिए इस एरिया को, यहाँ पर पहुंचकर व्यक्ति को जीवन की सच्चाई का बोध हो जाता है, वो सच्चाई जिसे जानने के बाद में वो ऑटोमेटिकली संसार से पूरी तरह डिटैच हो जाता है और केवल अपने परमात्मा से अटैच हो जाता है। अभी आपको मैं अगर कहूं कि ये चक्र का कलर कैसा है, आपसे पूछूं ये शक्ति कैसी है, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति को कहा जाता है कि पर्पल कलर में माना जाता है। पर्पल कलर, जिन जिन को पर्पल कलर आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, रिलैक्सिंग लगता है, उन सबको बधाई है, वो जल्दी अपना सहस्रार चक्र को एक्टिवेट कर पाएंगे। और जिन्हें ये कलर पसंद नहीं है, वो उस कलर के किसी भी पुष्प को, किसी भी कलर के उस कलर के कपड़ों को, आज मैंने भी देखे पर्पल कलर पहन के आपके बीच में बैठी हूँ। ये कलर मुझे बचपन से ही बहुत आकर्षित करता था, पर इसका मर्म मैंने अब समझा, यानी कह लीजिए कि पिछले 5-6 सालों में समझा, और जब से इसे समझा है समझ लीजिए जीवन बहुत, मतलब चमत्कारी ढंग से परिवर्तन महसूस कर रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और सच कहूं तो किसी के प्रति, मैं ये नहीं कहती सहस्रार चक्र जागृत है या नहीं, पर ये जरूर है कि सबसे प्रेम होने लगा है, सच्चाई से प्रेम होने लगा है, और हर जीवात्मा के प्रति हमारी क्षमा भाव बढ़ने लगा है। अगर ये बढ़ रहा है सबके भीतर, तो समझिए ये चक्र जागृत हो रहा है। अभी एक रहस्य ये जरूर बता सकती हूँ कि जैसे जैसे ये जागरण होता है तो क्या होता है, और नहीं होता है तो शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि नहीं होता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, वो कंफ्यूज्ड रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या डिसीजन लूं। कंफ्यूज मतलब उसे, वो जिद्दी होगा, उसे लगेगा मैं, जैसे मैं ये इस धर्म की हूं तो मेरा धर्म है मुझे ये पालना ही है। धर्म, कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को गलत होने की राय नहीं दे सकता। हर धर्म, धर्म आत्मा का होता है, आप ये मान के चलिए आत्मा के लेवल पर जब हर जीव बराबर है, भगवान की ये वाणी है, तो उसमें डिफरेंस करने वाले आप और हम कौन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म आत्मा का धर्म होता है, परमात्मा का धर्म होता है। और अगर हम इस रिजिडनेस में नहीं, जब हम ये अपने अपने व्यक्तिगत धर्मों में उलझ जाएं, धर्म तो एक छोटी सी बात है, विचार भी हो सकता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद में मैंने आपको कहा कि एक लाइन लिखी है सब्जेक्ट में, शून्य में हो रहा अवतरण, आप निर्विचार निर्विकल्प ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप ध्यान में बैठे, कभी कभी ऐसा लगता है कि बस उसमें ही डूब जाए, कोई साउंड नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल निशब्द हम हो जाते हैं। और ये निशब्दता ही सहस्रार में प्रवेश कराती है। यानी शब्द, जिस एक भी शब्द नहीं है, कंप्लीट मौन है, लेकिन उसका भी हमें, निशब्द हो करके भी हमें शब्द सुनाई देता है, और वो शब्द है ब्रह्मांड की वो आवाज।
आवाज जो ओम के रूप में सोते जागते चलते फिरते जब भी हम एकांत में बैठ जाए हमें सुनाई देने लगती है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये आप बोल नहीं रहे हो, आपने कहीं कैसेट भी नहीं लगाई है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके चारों तरफ ऐसे लगेगा हजारों हजारों ओम फैल गए हैं और केवल ओम। मतलब कोई शब्द नहीं है, आंखें बंद है, शब्द निशब्द हो चुके हैं, निर्विचार, कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप केवल उस आनंद में सराबोर होकर के उसी में रहना चाहते हैं, उस आनंद की पराकाष्ठा में डूबकर जो अमृत आपके ब्रेन से निकलता है, मस्तिष्क से निकलता है, उस अमृत की चेतना को आप पूरे शरीर में चेतना के कण कण में जब व्याप्त करते हैं तो उस मिठास में अपने आप को डूबा हुआ महसूस करते हैं। महसूस करते हैं प्रभु बहुत सुंदर हो तुम, प्रभु तेरी बनाई हुई ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम इस एहसास से भर जाते हैं कि भगवान सबको सुखी रखना, जैसे तुमने मुझे इस एहसास से भरा है वैसे ही सबको सुखी रखना। ये ब्लेसिंग फीलिंग, ये ब्लेस करने की फीलिंग जो है ये अपने आप में बहुत अपूर्व है। इसीलिए जब गुरु, आप गुरु के आनंद की कल्पना कीजिए जो करोड़ों लोगों को ऐसी ही ब्लेसिंग्स देते हैं, और हम भी अपने भीतर सुबह उठते ही जब हम इस एहसास से भरते हैं कि हे प्रभु तुमने कितनी अच्छी नींद दी, कितना अच्छा संसार दिया, कितना अच्छा जीवन दिया कि मैं तुम्हें देख पाऊं, तुम्हें समझ पाऊं, ऐसी शक्ति दी, इतने अच्छे गुरु दिए, इतना अच्छा परिवार दिया, सबके लिए मैं कितना कितनी शुक्रगुजार हूं मैं कह नहीं सकती। जब ऐसी फीलिंग्स में हम भर जाते हैं तो हमारे मन में ये ब्लेसिंग फीलिंग बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक ये ब्लेसिंग फीलिंग बढ़ती है। हे प्रभु जैसा तुमने मुझे सुख दिया, सबको सुखी देखना, सब बहुत खूबसूरत है। और आप मान के चलिए जब आप इस फीलिंग से भर जाएंगे तब आपको बदसूरत से बदसूरत आदमी भी आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, बदसूरत से बदसूरत यानी बुरी से बुरी परिस्थिति से भी आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी आप नहीं देख पाओगे, आप केवल और केवल उस घटना के पीछे छुपे हुए गहरे मर्म को, गहरे धर्म को, गहरी सच्चाई को आप समझ पाओगे। जब समझ जाओगे तो कोई भी किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं है। अब आपको खाली इतना बताऊं कि जब हम और ऊपर उठते हैं, यहाँ पर चेतना पहुंचती है, तो आप अपने आप को कैसे पहचानोगे कि मेरी ये चेतना जागृत है कि नहीं, ये कैसे जागृत। अब तक हम क्या कर रहे थे, मैं ये सोचती भगवान मेरे बेटे का बुरा मत करना, मेरे बेटे को ये प्रमोशन दे देना, मेरे पति को ये दे देना, मैं हम अपनी दुनिया में थे। यहाँ पहुंचने के बाद हमारी दुनिया विस्तार बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, इतनी बड़ी दुनिया हो गई है, यानी पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारा हो गया है, यानी हम उस ब्रह्मांड का, उस परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा सबका भला करता है, वो फीलिंग मेरे अंदर भी आ गई। ये ब्लेसिंग फीलिंग ही सबसे बड़ा ब्लिस है, यानी सबसे बड़ी आनंदानुभूति है। जिसे कहते हैं ना सच्चिदानंद बोलते हैं ना हम लोग, सत्य से मिला हुआ सात्विक आनंद से हम सराबोर हो जाते हैं। और ये सच्चिदानंद जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है तब हम हर पल यही कहते हैं, क्या कहते हैं, शिवोहम 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 शिवोहम, यानी मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। और अगर ये फीलिंग मन में बढ़ने लगती है, जितना जितना विस्तार होता है, साधक योगी एक पल भी गंवाए बिना इस आनंद में सराबोर रहते हैं। लोग मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु वो है जब सांसें खत्म हो जाती हैं हमारी और आपकी, जब और हमारा, हम ये शरीर मर जाता है, सांसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं बाकी रहती हैं तो एक आम व्यक्ति को वापस
इस शरीर में आना पड़ता है, दूसरे शरीर मतलब वो दूसरा शरीर धारण करता है। शरीर का आकर्षण उस आत्मा को रहता है क्योंकि उसे वो काम वासनाएं उसे उसकी बाकी हैं। लेकिन एक योगी का, एक साधक का क्या होता है, उसका शरीर सांसें खत्म नहीं होती हैं, और शरीर है लेकिन सांसें खत्म नहीं है, सांसें अभी बाकी रहती हैं लेकिन वासनाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे आप जैसे साधकों से मिलने का सौभाग्य मिला तो क्या है, इनकी आपकी धीरे धीरे जब आपकी कुंडली नीचे से शक्ति ऊपर उठ रही है तो आपकी काम वासनाएं खत्म हो रही हैं, कम हो रही है, आपकी सांसें दीर्घ श्वासों का आप प्रयोग करने लगेंगे। जैसे ही दीर्घ श्वासों का प्रयोग करेंगे तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी और आप जब अनाहत से ऊपर उठ करके उस विशुद्ध चेतना को आप यहाँ तक सहस्रार तक पहुंच गए तब क्या होगा, आपकी सांसें हैं लेकिन काम वासनाएं खत्म हो चुकी, आप अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में अवस्थित हो चुके हैं। तो अपनी उन बची हुई सांसों का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, आप अपनी उन बची हुई सांसों का प्रयोग लोगों के कल्याण में लगाएंगे, लोगों को बताएंगे, जो कि तीर्थंकरों ने भी किया, जो गुरु भी कर रहे हैं, और आज से आप भी अपने जीवन में शुरू कीजिए कि जो कुछ भी ज्ञान आपको मिला है मिल रहा है उसे अहंकार को दूर करके, अहंकार उसका ना करके बल्कि हर व्यक्ति के कल्याण में उसे यूज करिए, यही हमारी मुक्ति के पथ को प्रशस्त करेगा। अब आपका निर्णय है कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह मौत पाना चाहते हैं या एक असाधारण व्यक्ति की तरह मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, यानी अपनी तरह अपने जीवन की तरह दूसरों के जीवन को भी उतना ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं, प्रभु की ब्लेसिंग से उसे भरना चाहते हैं। इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है काश ये सेशन लाइव होता। लाइव सेशन यानी हम और आप एक दूसरे के सामने होते, जूम पर या टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट नहीं होते, तो आपकी फीलिंग्स को मैं समझ पाती, देख पाती, आपके साथ बहुत सारे अनुभव शेयर कर पाती। समय की अपनी सीमा है लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने आप को सर्च करिए, अपने आप को तोलिए कि क्या सचमुच आपका अनाहत आनंद केंद्र खुला हुआ है, यहाँ प्रेम भरपूर है, तो उसे अनंत की दिशा में बढ़ा दीजिए। और उसे अनंत की दिशा में कैसे बढ़ाएंगे, आपको भूख कम लगेगी, आपको भोजन कम पसंद आएगा, और यहाँ पर आकर के सच पूछे तो भोजन कुछ काम नहीं करता, भोजन का रोल एकदम जीरो हो जाता है। बाकी सब केंद्रों में मैंने कहा कि आप ये खाइए, ऐसे फल खाइए, ऐसे फ्रूट्स खाइए, लेकिन यहाँ आकर व्यक्ति की यानी शारीरिक आवश्यकताओं से हम डिटैच हो जाते हैं, बोलने का मन ही नहीं करता, चाहते हैं कि हम बोलें तो नहीं बोलने का मन करेगा, कम से कम बोलने का मन करेगा, बहुत जरूरत हुई तो बोल, यानी हम प्रलंब मौन की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, हमारे भीतर स्वाद चेतना बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, हमारे अंदर कच्ची चीजों मतलब जो नेचुरल चीजें हैं उन्हें खाने की, उनके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी। जैसे हम कच्चे सैलेड खाने में ज्यादा रुचि रखेंगे, अगर जैसे ही हमारी ये कल तक मैं 3 रोटी खा रही थी, 2 रोटी खा रही थी, अब लगेगा यार खाने की इच्छा ही नहीं है, एक ही रोटी खा ले या ना ही खाएं तो अच्छा है, ऐसे लगेगा हम फल खा लें, फ्रूट्स खा लें या थोड़ा सा जूस पी लें, बस वो उसमें ही तृप्ति हो जाती, यानी जो नेचुरल चीजें हैं उनको खाने में हमारी रुचि बढ़ जाती है। और नेचुरल चीजें इनमें कुछ भी मिलावट नहीं होती, यानी उन्हें हमने पकाया नहीं है, उनके पोषण जो तत्व पोषक तत्व हैं वो मरे नहीं है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स करना शुरू करती है। जो उपवास है ये बहुत बड़ा डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी में करता है, कैंसर के रोग तक को उपवास मतलब दबा देता है, कैंसर की जो पर जो अणु हमारे भीतर होते हैं, कोशिकाएं कैंसर की, उन्हें जो बढ़ने में सहयोग करती हैं वो उनको हम रोक सकते हैं उपवास के माध्यम से, डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से। तो ये साधना आज से शुरू करिए कि हम अनाज, हालांकि जो साधक है उनके जीवन में
ये सत्य मैंने भी बहुत देर से जाना, जब मुझे पहले पता ही नहीं था, मुझे ऐसे लगता था पता नहीं क्यों भूख कम लग रही है, लेकिन जब मुझे पता लगा कि ध्यान के साधक की भूख ऑटोमेटिक कम होने लगती है, क्योंकि सांसें ही इतनी कुछ दे देती हैं, जब हम गहरे सांस लेते हैं उनसे हमें इतना कुछ मिलने लगता है कि हमारे इस शरीर को अनाज की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जब आप इस ओर बढ़िए भोजन की तरफ, दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि रोशनी में रहिए, ज्यादा धूप में रहिए, धूप में बैठे, सुबह की धूप का पान जरूर कीजिए अगर कर सकते हैं। जैसे सूर्य पूरी दुनिया में प्रकाश को फैलाता है, उसके बराबर कोई भी खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक इसी तरह ये अनंत सूर्यों से भी, अभी आपको जो बात बोल रही हूँ ये मैं बोलने के लिए लोगों के अनुभव, हालांकि मैंने इसे अनुभव नहीं किया है, लेकिन इतना संक्षिप्त जैसे छोटा सा अनुभव जरूर हुआ है कि यहाँ कुछ ऐसा अगर इतना भी घटित होता है, इतना जैसे मैंने बोला सुइयों जैसे हजारों चींटियां चुन 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 करे, और बड़ा आनंददायी अनुभव होता है। जैसे ही शुरू नहीं करते, बैठते हैं और एक सेकंड के लिए फोकस यहाँ जाते ही ऐसे लगता चारों तरफ जुम 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 है, और बड़ा आनंद महसूस होता है। और जब ये संकल्प कर लेते हैं कि ये मैं उस ब्रह्मांडीय चेतना को अपने भीतर, ब्रह्मांडीय चेतना झरने की तरह मेरे ऊपर गिर रही है और उसे मैं अपने भीतर आत्मसात करके अपनी चेतना के कण कण में उसे व्याप्त कर रही हूँ, तो वो मिठास, वो आनंद इतना सुकूनदायी होता है कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं होता। और ये जितने लंबे होते हैं ये अनुभव के क्षण, वो उतना ज्यादा आपको समझ लीजिए कि आपको उस परम आनंद के क्षणों में आपको लंबे समय तक रहने का सौभाग्य देंगे। सौभाग्य समझ लीजिए, ये आपका प्रयास कह सकते हैं। दूसरा चीज है, आप दो आसन कर सकते हैं। दो आसन में पद्मासन आप करते ही होंगे सब कोई, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि अपने जीवन में कायोत्सर्ग का प्रयोग, कायोत्सर्ग मतलब रिलैक्सेशन, सो करके जो हमारे यहाँ कायोत्सर्ग की विधि है, वो कायोत्सर्ग इतना जादुई प्रभाव डालता है, इतना जादुई मतलब इतना रिलैक्स हो के जो करना है, मतलब सोचिए प्रभु कितना कारसाज है, प्रभु को पाना कितना आसान है। आपको बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइज, बहुत बड़े बड़ी साधना है ना भी करें, लेकिन अगर सो करके, या रमेश जी लिख रहे हैं, डॉक्टर रमेश लिख रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली हमारे साथ हो रहा है, तो मैं समझती हूँ कि मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि जिस सत्य को हम अनुभव के साथ में आपके सामने रख रहे हैं, वो सत्य लोगों के जीवन को परिवर्तित भी कर रहा है अनुभव के साथ। कभी अगर ऐसा मौका मिला तो एक सेशन खाली ऐसी शेयरिंग का होना चाहिए जिन्होंने ऐसे अनुभवों को साक्षात किया, ताकि दूसरों को वो प्रेरणा दे सके कि इन अनुभवों में कितनी सत्यता है, कितनी साधना की गहराई है, कितनी पवित्रता है, कितनी सरलता है, इसलिए तभी वो इस हद तक, इस ऊंचाई तक, इस पवित्र स्वरूप में अवस्थित हो पाए हैं। तो दूसरा आपको काम करना है कि आपको कायोत्सर्ग का प्रयोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। जितना कायोत्सर्ग का प्रयोग करेंगे आपकी निर्भय अभय चेतना बढ़ती जाएगी, और शिथिलीकरण की चेतना, जितना शिथिलीकरण बढ़ता है उतना उतना आप मानिए कि आप अपनी आत्मा के, परमात्मा के करीब जाते हैं। तीसरी चीज, ये बैंगनी रंग ही क्यों कहा गया? बैंगनी रंग में ब्लू और रेड कलर का समावेश है, मिक्स करके ये बना है। तो ये अभी आप फिर समझिए, ब्लू क्या है? शांति का प्रतीक है, और रेड जागृति का प्रतीक है, लाल रंग शक्ति, इन दोनों को मिलाने से पर्पल कलर बना। इसके पीछे का रहस्य आपने समझा, नीचे से शक्ति गई ऊपर से शिव, दोनों मिले। यहाँ का रंग हमने ब्लू बताया था, ये भी ब्लू है, लाइट ब्लू, ये डार्क ब्लू, और ये ब्लू जब यहाँ पे रेड के साथ मिला तो ये पर्पल बन गया। और शुद्ध चेतना जो बीचों बीच व्हाइट कलर में है पूरी तरह से, उसमें इतनी गर्मी है तो कभी कभी कुछ साधक इसे गोल्डन कलर में भी देखते हैं, लेकिन वास्तव में आप गोल्डन देखें, चाहे ब्लू देखें, चाहे पर्पल देखें, व्हाइट देखें, ये जब भी आपको लगे कि आप बहुत लेथर्जिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सुस्ती आ रही है बॉडी में, आप बैठ जाइए, और जो जैन है उनको लोगस जैसे महान मंत्र की जानकारी है, अलका जी लोगस का पूरा एक
क्रम चला रही हैं, मैं देख रही हूँ 23वां 24वां एपिसोड उनका चल रहा है। ये बहुत बड़ी साधना है जिसे वो आप तक पहुंचा रही हैं, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए अलका जी के प्रति भी। लेकिन मैं, जो लोग जैन हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि लोगस जैसे महान मंत्र को मामूली मंत्र मत समझिए, इसे कायोसर के साथ जोड़ करके करना शुरू कीजिए। आप जिंदगी में चमत्कार को देखिए, आपकी लेथर्जिकपन यानी आपकी सुस्ती, आपकी कमजोरी 5 मिनट में अगर दूर नहीं हो जाए तो मैं, मतलब जैसे ही आप बैठेंगे और 1 2 3 लोगस आपने किया, उतने में ही आपको लगेगा कि मैं रिचार्ज हो गई हूँ। क्योंकि ये इसलिए रिचार्ज, और इसको पर्पल रंग के ध्यान के साथ, पर्पल कलर के साथ जोड़ करके करेंगे तो नीला यानी शांति और ज्ञान, नीला रंग ज्ञान का प्रतीक भी है, यहाँ पर हम ज्ञान केंद्र के रूप में भी इसे देखते हैं, और नीले रंग में इसमें ध्यान किया जाता है, व्हाइट रंग में भी ध्यान किया जाता है। तो नीला और लाल मिलकर ये पर्पल जो बना है, ये ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तिशाली कलर के रूप में हो गया। आज इसका ध्यान मैं नहीं करा पाई हूँ, क्योंकि टाइम अभी आपकी जिज्ञासाओं का है। एफर्मेशन में आप खाली एक भी अगर रोज एफर्मेशन डालते हैं, जब भी ध्यान में बैठे ये एफर्मेशन डालें कि नीले रंग की किरण, कभी और मौका लगा तो हम जरूर इसका ध्यान का प्रयोग, केवल उस दिन डिटेल में नहीं जाएंगे। ये देखा है लोकस नहीं है, लोगस एक प्राकृत भाषा में मंत्र है जिसे साधुओं को के लिए भी प्रशस्त कहा गया है कि जब भी वो थकान, जैसे हमारे जैनों में एक विधान है कि साधु साध्वी जब भी बाहर जाकर के आते हैं या अपना भिक्षा लेकर के जब आते हैं तो उन्हें कहा गया है कि 2 लोगस का 4 लोगस का ध्यान करें। लोगस एक मंत्र है 8 पद्यों का, उस वो जिसमें 24 तीर्थंकर जिन्होंने अपने सारे 8 कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली, यानी सारे कषाय उनके खत्म हो चुके हैं और शुद्ध स्वरूप में वो अवस्थित हो चुके हैं, वो शुद्ध स्वरूप की साधना इसमें है जो हमें आरोग्य देती है, जो हमें शांति देती है, और जो हमें हमारे वीतरागता के पथ को प्रशस्त यानी हमारे मोक्ष मार्ग पर हमें आगे बढ़ाती है। तो ये जो मैंने इसलिए जानकर, मैंने जब रिसर्च किया इसके ऊपर, मुझे ऐसा लगा कि साधु संतों के लिए अगर कायोसर और लोगस का इतना अच्छा संबंध है तो एक मनुष्य, हम लोग इसका लाभ क्यों नहीं उठा सकते। और मैंने जब इसको शिथिलीकरण, जब थकान से कमजोरी से जोड़ा और इसको जोड़ करके करना शुरू किया तो मैंने इसके मैजिकल रिजल्ट्स पाए हैं। तो जो लोग जैन हैं वो सहज कर सकते हैं, जो अजैन है और जो करना चाहते हैं तो मैं आनंद जी से कहूंगी कि ये लोगस का पूरी पार्टी, वो लोगस का पाठ पूरा ग्रुप में शेयर करते हैं आप उन्हें, अगर कोई इसे या करना चाहे तो वो प्रश्न, क्योंकि ये सिर्फ उस परम शक्ति की, उस सिद्ध शक्ति की, उस वाइट लाइट की जिसका प्रकाश 100 सूर्यों 1000 सूर्यों से भी ज्यादा है। ये बात मैं बोलते बोलते बीच में भूल गई थी कि सूर्य के प्रकाश के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, लेकिन जब आत्मा का शुद्ध प्रकाश होता है तो सूर्य का प्रकाश, एक सूर्य के सामने हमारी शुद्ध आत्मा का प्रकाश 1000 सूर्य से भी ज्यादा होता है। तो आप सोचिए कितना दिव्य होता है, और वो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में उसका विकिरण होता है, न केवल हमारे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में। तो आइए हम सब आज के बाद अपने जीवन में एक संकल्प करें, वो संकल्प है कायोत्सर्ग का, दूसरा संकल्प प्रार्थना का। प्रार्थना से, ये जब हम प्रार्थना करते हैं क्या करते हैं, प्रार्थना में हम एक चीज करते हैं, हे प्रभु तू मुझे सब दे, तेरी बहुत कृपा है, तू मुझे दे रहा है, और हम लोगों के कल्याण की बात भी करते हैं। प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना केवल हम अपने लिए नहीं करते, इसलिए जब हम प्रार्थनाओं में प्रवेश करते हैं, अपने जीवन में प्रार्थनाओं का समावेश करते हैं, प्रार्थना गा के भी कर सकते हैं, प्रार्थना एक शब्द में भी कर सकते हैं कि शिवोहम शिवोहम, या हम ऐसे कर सकते हैं प्रभु मेरा कल्याण किया है, सबका कल्याण करो, सबका भला हो, सब सुंदर हैं, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं मेरे आसपास, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये प्रकृति कितनी खूबसूरत तूने बनाई है, हे प्रभु ये दुर्लभ मनुष्य जीवन देकर इसका सार समझाने के लिए तेरा शुक्रिया।
आप देखिए ये और सबको जो सुखी रखने की जो ब्लेसिंग्स है, और यहाँ से इस चक्र से इस ब्लेसिंग्स को निकलते हुए देखिए, आप देखिए आपके आपको लगेगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत अनुभव कुछ और नहीं। ये खूबसूरत अनुभव ध्यान के माध्यम से कभी मैं और कराने का सोचूंगी, लेकिन अभी आप सब अपनी जिज्ञासाएं मुझे दें और आप सबके लिए एक एक लाइन आप जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपके गुरु आपको आशीर्वाद दे, जब भी आपके गुरु आपको मंगल वचन फरमाए, मंगल पाठ सुनाए, उस वक्त आपके दोनों हाथ, देखिए मेरे हाथ देखिए, और इन्हें इस तरह जोड़ ले, नमस्कार मुद्रा, और हाथ आनंद केंद्र पर, अंगूठे ये अंगूठा ये आनंद केंद्र को के सेंटर को छुएंगे, और ऐसे आपकी आप जो भी क्रिया करें उसमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। अगर आपने ये हाथ जोड़ा और ये अंगूठा यहाँ लगाया और उसे और गुरु जो मंत्र जो भी मंगल पाठ सुनाते हैं, जो भी आशीर्वचन फरमाते हैं, आप उन्हें आत्मसात कर रहे हैं। फिर से अपने आप को कहें, गुरु के मंत्रों को, उनकी पवित्रता को मैं अपने भीतर आत्मसात कर रहा हूँ और अपनी चेतना के कण कण में उसे व्याप्त कर रहा हूँ। और आप देखिए गुरु के मुख से निकले, यानी साक्षात परमात्मा से निकले ये परम मंगलकारी शब्द जो उन्होंने ब्लेसिंग्स के रूप में, वो ब्लेसिंग्स के रूप में दे रहे हैं आपको, वो ब्लेसिंग साक्षात आपके जीवन में एक चमत्कारी अनुभव देंगी। एक बार उसे आप दो बार अनुभव करके देखिए, फिर उसका परिणाम देखिए, आप स्वयं परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होने लगेंगे। ओम अरहम, यही मंगल कामना, यही मंगल स्वर आप सबके लिए। ओम अरहम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के विषय को समझाया। और मीना जी, जो आपने सहस्रार चक्र के जो ये बताया भी, हमारे मस्तिष्क के अंदर नहीं वो ऊपर फैला हुआ है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शिविर में मैं गया था 10-11 साल पहले, मुनि किशनलाल जी ने बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए समझाया था। उन्होंने बताया था, पुराने जमाने जब टीवी नया जब आया था टीवी, तो टीवी का एक एंटीना होता था। वो एंटीना कहाँ फिट किया जाता था? ऊपर बंबू के सहारे या पाइप के सहारे उसको ऊपर लगा दिया जाता था और उससे कनेक्ट कर दिया जाता था टीवी को, तो टीवी चालू होता था। आजकल एंटीना हट गया है, डिश आ गई है, इंटरनेट का जमाना है, तो टावर आ गए हैं। तो ये चीज हम समझते हैं कि जो टावर काम करता है तभी हमारा मोबाइल चलता है, तभी हमें इंटरनेट मिलता है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक टावर, आप कल्पना कीजिए टावर है, वो टावर हमें ब्रह्मांड की शक्ति को खींच रहा है। आनंद जी, आपकी बात एकदम सही है। मैं अपना विचित्र अनुभव अभी बताऊं कि अभी जितनी देर में क्लास आपसे ले रही थी, मैंने उतनी देर कंटिन्यूस, मैं जब बैठती मुझे ऐसे लगता है एक शब्द भी प्रभु अतिशयोक्ति ना निकले, कुछ भी ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा लगे कि मैं बिना ज्ञान और अनुभव की से हट कर कोई चीज बता दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि जब कुछ भी मैंने अगर नॉलेज शेयर की आपसे और वो आपने स्वयं उसे अनुभव किया है, तो मुझे लगता है मेरे जीवन की सार्थकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी आप भी अपने कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। मैं सबके अनम्यूट अब सुन दे रहा हूँ। मैम, आपने जो भी पॉइंट्स बोले थे, मेरे को ऐसा लगता है मेरी सहस्रार जागृत है, लेकिन आप जो चींटियों से वो शब्द बता रही थी वो मेरे में नहीं होता, लेकिन मैं हर एक के लिए पॉजिटिव प्रार्थना ये सब करती हूँ। ऐसा लग रहा मेरे को, आपके कारण मेरे को पता चल रहा है मेरे में है ये क्वालिटी, सहस्रार जागा हुआ है। पहले मुझे पता नहीं था इतना, आपकी जानकारी से मुझे पता चला मैं भी यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। वो अनुभव ध्यान के समय होगा, ऐसा नहीं कि हर समय होगा। जब 100% आप फोकस्ड होंगे तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मैं मान, क्योंकि ये होगा ही होगा। ये स्टार्टिंग में इतनी देर तक नहीं बैठ पाती हूँ जब तक वो जागरूक हो, शायद मैं उससे पहले उठ जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब अगर आप ध्यान रेगुलर कर रहे हो
आप पहले आप उसको या तो ओम का 9 बार उच्चारण करके बैठिए, ये होगा ही होगा, क्योंकि ये ना हो ऐसा हो संभव नहीं है। क्यों, यहाँ आपको अजीब सी, मतलब मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लगता है कि आपको ऐसे लगेगा कि जिसे लोगों ने अमृत का नाम दिया है, लेकिन वो अमृत क्या है? अभी मैं साइंटिफिक फैक्ट के बारे में तो आज बता ही नहीं पाई हूँ कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो हम उसे, योगी लोगों ने उसे अमृत बोल दिया, और बॉडी में पूरा साइंस भरा है कुदरत ने, वो साइंटिफिकल नहीं होता है, कोई ऊपर से फेंकता नहीं है उस अमृत को, वो अमृत पैदा होता है हमारे ब्रेन में। वो कैसे होता है वो कभी और मौका लगेगा तो बताएंगे, मैं साइंटिफिक फैक्ट को टच नहीं कर पाई। लेकिन जब आप सांसों पे नियंत्रण करके सांसों की यात्रा करेंगे, तो सहज शुद्धिकरण में जो आप सहज योग में प्रवेश कर लेंगे, और जो सहज जो हमारे जीवन का क्रम बनेगा, तो आपके यहाँ पर वाइब्रेशन होने ही है उन्हें आप, इसका मतलब है अभी ध्यान में और थोड़ी सी आपको मतलब जागरूकता की जरूरत होगी, और अगर उसमें जाएंगे तो आप उसे भी अनुभव कर पाएंगे, और जब ये अनुभव करेंगे ना, तो आपको ये दुनिया और ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। दुनिया अच्छी लगने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें घुसेंगे, मतलब आप दुनिया के कल्याण की बात सोचेंगे, सोचेंगे धन्य हो गया ये मेरा जीवन कि मुझे ये दुर्लभ मानव जीवन मिला। थैंक यू सो मच मैम, जानकारी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। थैंक यू सो मच। अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा, डांगे सर आप भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। भी कि हमारे वीना जी का जो सेशन है ऐसा लगता कि खत्म ही ना हो, क्योंकि बहुत सारी बातें उनमें इतनी, मैं हमेशा बोलता कि सिर्फ जीवन के लिए नहीं, इस जीव के लिए, जीवन का उद्धार तो, जीवन तो जन्म से लेके मरण तक होता है, जीव हमेशा हमारे साथ में होता है, वो स्व हमारे साथ में होता है, वो जो भी बात करती है वो स्व के उद्धार की करती है, ना कि सिर्फ इस जीवन की। तो इसीलिए, और ज्ञान का भंडार तो उनके पास है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, हार्ट टचिंग है, और साइंटिफिक वे, आध्यात्मिक वे सब वैसे होता है, तो डेफिनेटली इनका सेशन हमने जारी करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, और जो अलग अलग विषय कुछ भाग अगर छूटे है, क्योंकि एक घंटे में बहुत सारा कवर नहीं होता, तो उस समय भी हम उससे दो भाग कर सकते हैं सेशन के। तो डेफिनेटली वीना जी को थोड़ी परेशानी डेफिनेटली होंगी, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के लिए जिस झाड़ को बहुत सारे फल लगते उसे पत्थर मारने वाले ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली उसी प्रकार मैं पॉजिटिव वे लूंगा कि जिसके पास ज्ञान का भंडार होता है तो उनके हर व्यक्ति तो इन्वाइट करना चाहता है। समय की मर्यादा डेफिनेटली 24 घंटे ही सबको होती है, फिर भी हमारे तीनों जो संस्था है उनके लिए आप समय निकालिए, बहुत पुण्य का काम आप कर रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। जय जीतन सर, जैसे वीना जी ने बताया ना ओम की ध्वनि और महाप्राण ध्वनि, तो ओम की ध्वनि और महाप्राण ध्वनि करते तो रियल में यहाँ ऊपर हमको फील होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है, और कार्य करते तो सिटी कल्याण भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं रोज सुबह मैं भी मंगल भावना ही पाती हूँ कि मेरा तो भला हो ही, वो सबका भला, प्राणी मात्र के प्रति भलाई की भावना से ही सुबह उठते हैं। तो आपने ये अच्छी जानकारी दी, ये सारी जानकारी जैसे जैसे हम आप लोगों को सुन रहे हैं, चाहे आनंद जी भाई साहब के थ्रू, चाहे अलका जी के थ्रू, चाहे राजू भाई साहब के थ्रू, चाहे वीणा जी के थ्रू, जैसे जैसे रोज की क्लास कर रहे हैं, तो हमारा भी धीरे धीरे थोड़ा ये ज्ञान विकसित हो रहा है। तो ये क्लास चलती रहे, सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। ओम भरम, बहुत अच्छा वीणा जी ने जानकारी दी। नेक्स्ट सुमन जी पवार ने अपने आप को अनम्यूट किया, सुमन जी बोलिए। ओम सर, ओम अरहम, हम धन्यवाद है बहुत सब आपका, हम बहुत सौभाग्यशाली है जो आप सबसे इतना अच्छा सुनने को मिलता है, और मैडम ने तो इतना इतना अच्छा बताया कि ऐसे लगता है कि इनका सेशन खत्म ना हो। आज का सेशन तो बहुत सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा, ऐसे थैंक यू उठने का मतलब मन नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर का, राजू सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अर्चना जी, अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार वीना जी, आपने बहुत अच्छा क्लास लेती है और इतना ज्ञान बांटती है, हमें तो पता ही नहीं चलता टाइम कभी, मुझे भी नहीं पता चलता है, बहुत ही अच्छा पता चलता है। हाँ, सबको मेरा जय गुरु, बहुत ही अच्छा वर्ग रहा कि जो कुछ भी चेतनाएं हमारे भीतर है हमें साधना के तारे बाहर निकलने हैं,
जो आनंद हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो हमारे अंदर ही है। होते ही विना जी ने अच्छे से सबको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अशोक जी, अशोक जी बन, यस जय जिनेन्द्र, सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया। हमें अपने अपने आप को ढूंढना है, हु आई एम, ये हमें सोचना है मैं कौन हूँ, ये हम सोचेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा तरीके से बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। गुरु, जय गुरु। का सेशन तो बहुत अच्छा रहा, इसके पहले का पिछले गुरुवार का तो मैंने नहीं किया, आज बहुत समझा है मैडम ने, बहुत अच्छा लिया। हमारे भीतर ये सब आनंद है, वो अपन पाने ले नहीं सकते। अपन जो ध्यान करते हैं, हमारे वो राष्ट्र संत जी ने बोला है, अपन ने आपके चिंता में हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपने अंतर्दृष्टि रखना है। अपन अपन जो अपने जो हृदय में स्मरण करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, ऐसा विपश्यना शिविर में भी मैंने किया है। विपश्यना शिविर में भी ऐसा जो मैडम जो बताया है, सिर के ऊपर जो पूरा अपन ध्यान करते हैं, तो भी अच्छा है। मैडम ने बहुत अच्छा क्लास लिया है, धन्यवाद। सबका धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू। समापन की ओर चले ढंगे सर। यस सर, समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के तरफ से मैं बिना जी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए, सभी की तरफ से, तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम।